नमस्कार, प्रोग्राम तपसरा में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जैसा हमने कल कहा था कि जम्मू कश्मीर के बजट के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि कल का जो बजट आ गया उस पर हम चर्चा करेंगे जैसा हमने कहा था। उसके साथ साथ जम्मू में स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने एक और नई स्कीम दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयड्स के लिए ई रिक्शा चला ले रहे हैं जी, इस पर बात करेंगे। सरकारी कर्मचारियों के ऊपर भी अब और इनको जवाब देना पड़ेगा, हर महीने पोर्टल पर देना पड़ेगा कि क्या क्या कुछ कर रहे हैं ये क्या। और सबसे बड़ी बात यह है, कश्मीर के अंदर श्रीनगर में पहली बार किसी लड़की के ऊपर एसिड फेंका है, आज तक कभी नहीं हुआ ये वहाँ पे, और उसमें तीन जो है अरेस्ट भी किए गए। ये भी एक बड़ी चर्चा की बात है कि ये हमने सुना था लेकिन कश्मीर में कभी नहीं सुना था। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार जो है वो कह रहे हैं कि जब से मेरी नियुक्ति हुई है 30 दिसंबर 2019 से, तब से लेके अब तक 400 मिलिटेंट मार चुके हैं। काफ़ी बड़ी खबर है। पहले बजट की बात करते हैं। बजट आने के बाद सी जी, यहाँ हिंदुस्तान में कभी भी बजट आता है यह पहला नहीं हुआ, दो तरह के लोग होते हैं। पार्लियामेंट निकलने के बाद पहला स्टेप उनका एक ही होता है, बजट बहुत अच्छा है, दुनिया भर की खूबियां उसमें। दूसरा तबका वो है जो निकलते ही कहता है बजट बहुत बुरा है, इसमें कुछ भी नहीं है, आम आदमी के लिए भी कुछ भी नहीं है, वकील नहीं है, ना उसने पूरा पढ़ा होता है ना उसने पूरा जाना होता है, पता इनको भी पूरी तरह होता है। लेकिन ये शुरू से आज से लेके 70 साल तक जितने भी होंगे अब तक, आप देखोगे जितने भी बजट आए हैं हर बजट में अच्छा हो बुरा हो ये दो प्रतिक्रिया हमेशा सामने आती है। अब जो बजट आया है वो जिसे हम तीसरा तबका कहते हैं वो है आम आदमी जी। आम आदमी उस वक्त तो नहीं उसको पता चलता क्या है, बाद में डिस्कशन सब सुनता है, जगह जगह से बातें सुनता है, स्टडी करता है, पेपर में आता है, सब कुछ दिखता है, फिर उसको पता चलता है बजट क्या है क्या नहीं। आम आदमी जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले ये कह दूं, अब आम आदमी की परिभाषा अभी बदलती है जी। आम आदमी कह रहा है बजट में हमारे लिए कुछ नहीं है। दूसरी तरफ अब सरकार के अंदर ही दो चीजें हो गई हैं, प्रधानमंत्री आम आदमी किसे कह रहे हैं और जो हमारी वित्त मंत्री है वो आम आदमी किसे कह रहे हैं, ये दो चीजें सामने आ गई। ये नहीं पता चल रहा ये फायदा किसे, वो कह रहे आम आदमी के लिए बजट है, वो आम आदमी में किसान भी SMS के जो इंडस्ट्री से दूसरे सब में ला रहे हैं, जबकि कुछ वो आम आदमी वित्त मंत्री जिनको कह रही है वो प्रधानमंत्री इनको गरीब कह रहे थे, और आम आदमी दोनों की तरफ देख रहा है मैं किस तरफ चलूँ या किस तरह। ये एक सेंट्र केंद्रीय बजट है जिसमें काफ़ी चर्चा कल तक हो चुकी है। अब आते हैं हम जम्मू कश्मीर के बजट में। जम्मू कश्मीर को लेके ये 35,521 करोड़ रुपीज़ का बजट है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हर बार जैसे जम्मू कश्मीर में होता है जम्मू हमेशा देखता रहता है, और जम्मू को लेकर हम ये कहें ये सरकार जम्मू की है और जम्मू फिर देख रहा है, जिसमें से 273 करोड़ रुपया नगीन और ढल लेक के लिए है। इसमें से जम्मू को स्पेसिफिक नहीं है, वो जो चीज़ें हैं वो पूरी स्टेट के लिए हैं, जम्मू स्पेसिफिक नहीं है, आपकी जम्मू की झीलें हैं उनके लिए नहीं है, टूरिज्म के लिए कुछ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें जो हैं वैसी की वैसी हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हमने इतना पैसा जम्मू कश्मीर को दे दिया। मतलब चुनाव आने हैं जम्मू कश्मीर में, आज नहीं आएंगे साल के बाद आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की निगाह भी जम्मू से हटकर कश्मीर की तरफ जा रही है, उनकी निगाह है वहाँ कि कल को चुनाव हमने कश्मीर को लेके ही जो स्थिति बनेगी उसी से अपनी हुकूमत बनाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि जम्मू हमेशा राष्ट्रवादी और इनके साथ रहा, और यो शायद इनके दिलो दिमाग में यही है जम्मू तो हमारे साथ है ही है, इसलिए वो कश्मीर की तरफ जितनी भी ये सुविधाएं हैं जितना भी बजट का आप देखेंगे जम्मू नहीं कश्मीर को जा रहा है। ये सब चीज़ें पहले लद्दाख भी यही कहता था, अब ये जम्मू कश्मीर में जो आ रहा है इस बजट पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे। देखिए सत्ता में जो लोग बैठे होते हैं उनके पास एक चश्मा नहीं होता, उनके पास कई तरह के चश्मे होते हैं। चुनाव की बेला में उनका चश्मा उस ओर ज़्यादा जाता है जहाँ से उनको कोई कुछ चीज़ हासिल नहीं हो उसको हासिल करना चाहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा,
कि यही वही भाजपा है जो बरसों बरस तक चिल्लाती रही कि जम्मू का भेदभाव हो रहा है, जम्मू बंद करवाना, हड़ताल करवानी, ये तमाम होते रहे, हथकंडे होते रहे। जम्मू के लोगों ने बड़ी उम्मीद लगाई थी जब झोलियां भर के यहाँ की असेंबली में पहली बार 25 विधायक भेजे थे और उसके ऊपर कई MLC बने और मंत्री बने। आखिर जम्मू को मिला क्या? कुछ नहीं। जब सरकार गिरी उसके बाद एक खुद ही पार्टी के भीतर से और बाहर से आवाज उठने लगी, फलाने मंत्री ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, फलाने नेता ने इतना इकट्ठा कर लिया, ये तमाम चीज़ें, और आप कालांतर में वो चीज़ें कहीं ना कहीं प्रमाणित होती भी लगी। ये जो बजट आया है, इस बजट को देखिए ना, अब पहली बात तो है कि जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रधानमंत्री, जिस तरह आपने कहा नरेंद्र मोदी बजट का किसको एड्रेस कर रहे हैं, किस क्लास को, और निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है वो किस क्लास को कर रही है, मतलब लगता है कि सरकार स्तर पर ही कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बीच में रोक रहा हूँ, अगर आप 2015 के बजट को लिखें जी और आज के 2022 के बजट को देखें जी, ठीक है जी, दोनों बजट को आप देखेंगे तो आपको लगेगा 2015 के बहुत से वही शब्द, बहुत सी वही लाइनें 2022 में भी नहीं, बिल्कुल कह रहे हैं, सिमिलरिटी है उस बजट में काफ़ी हद तक, माना जा सकता है। लेकिन देखिए ना, हैरत की बात में क्या है, ये एक विजनरी कह रहे हैं कि 25 साल का विजन पेश किया, ये खुद कह रही है और कह रही है कि हम अमृत वेला में प्रवेश कर रहे हैं। क्या अभी तक विश्व वेला थी अभी तक की? अब तक का जितना इतिहास रहा आज़ादी के बाद से, उसका मतलब विश्व वेला रही ना, मतलब किस तरह की भाषा शब्दावली इस्तेमाल की जा रही है। अच्छा, दूसरा आप देखिए इसमें बड़ी बात जो है, आपने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे शुरू में जब आए, अब आपने 25 साल का जो विजन दिया है उसमें कहा कि हम 60 लोगों को नौकरी देने की संभावनाएं हैं, संभावना है। तो मतलब आखिर जो आदमी सड़क पे खड़ा है, आखिरी सीढ़ी पे, पायदान पे खड़ा है, वो कह रहा है यार मैं पागल हो गया हूँ, ये क्या कह रही है सरकार, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, ये तो एक राष्ट्रीय परिपेक्ष हो गया। देखिए किसान इनसे असंतुष्ट है, हम ये भी कह सकते हैं किसान राजनीति करें, ये भी हम मानने को तैयार है, लेकिन आप अगर इसका ईमानदारी से अगर इसका विश्लेषण करेंगे तो किसान की बात में 100% नहीं कहते, मतलब 50-60% तो फिर भी दम है, बिल्कुल। उसके फर्टिलाइजर की बात नहीं है, उसके ट्रैक्टर की बात नहीं है, अच्छा उसको बिजली जो मिल रही है, बिजली हरियाणा की, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, यानी कोई कांग्रेस की है, हरियाणा की कीमत से कई गुना ज़्यादा यूपी में उनको बिजली मिल रही है, वो अलग उनका समस्या है। तो ये तो एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य हो गया। जम्मू कश्मीर अगर आते हैं, आपने ठीक कहा, देखिए हालांकि हम तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये महाराजा साहब का समय की बना एक खूबसूरत स्टेट रही है, ठीक है, आपने यूटी बनाई जो बनाया, 370 तोड़ी, 370 को लेकर तो वास्तव में हर आदमी चार टूटे, चूंकि वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी थे, वाल्मीकि समुदाय था, गोरखा समाज था, जिनको सबसे ज़्यादा उनके साथ मानवाधिकारों घोर उल्लंघन होता था, पूर्ववर्ती सरकारों सारा नेतृत्व किसका था, कश्मीर केंद्रित नेतृत्व का। ये मोदी सरकार ने एक बेहतरीन और साहसिक कदम उठाया, ये हर आदमी कहने को तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब आप चुनाव के चश्मा लगाकर अब आपको जम्मू नहीं दिखाई दे रहा। जम्मू तवी जो हमारी लाइफ लाइन है, तविशी नदी से कहते हैं, सूर्य पुत्री कहते हैं, उसकी कितनी बदहाली है। यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वहाँ जाके वहाँ से कूड़ा बीन के बाहर उठाते हैं, हमारे शहर के लोग बच्चे, वो जो है तवी बचाओ आंदोलन वाले, वो अलग वहाँ पर आरती करते हैं, वो अलग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, कि किसी तरह तवी का जो वजूद है वो बचे, उसको लेकर कोई चर्चा नहीं है। आर्टिफिशियल लेक, इन्होंने बड़े ढोल पीटे थे, ये भी कहा था कि साबरमती की तरह यहाँ पर हम वो बनाएंगे, ट्रैक बनाएंगे और लोग आनंदित होंगे, कोई जिक्र नहीं। नहीं, झेलम में चलेगा क्रूज। हाँ, झेलम में क्रूज चलेगा, और ये देखिए ना, हालांकि वो भी हमारा हिस्सा है, हमें उस पर कोई वो नहीं है, तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ तब होती है जो पार्टी इस आधार पर राजनीति करती रही हो, जम्मू वर्सेस कश्मीर की। आज के जी सबका साथ सबका विकास, अच्छी बात है, हम तो शुरू से कह रहे हैं सबका सबका विकास होना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि कश्मीर को और दीजिए, इसमें कोई खंडन नहीं है, लेकिन जम्मू को भी तो दीजिए। जम्मू कहाँ खड़ा है, जिस जम्मू ने आपको
25 सीटें देके इतिहास रचा है जम्मू कश्मीर की सियासत में, और आपको दो सांसद, ये स्त्री बनी है, कोई छोटी बात नहीं है, और आप जम्मू के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। ये तो शुक्र हम फिर भी कहते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जैसे बंदे वहाँ पीएमओ में बैठे हैं, जो बजट में भी ना हो वो फिर भी अपना घेर घार के, उन्होंने तो भद्रवाह के लिए और भी कहा, हाँ भद्रवाह के लिए जड़ी बूटियों का, हाँ औषधीय जड़ी बूटियों का, कहने का मतलब कि वो अपने मिशन में लगे हुए हैं और मजबूती से लगे हैं। जितना विकास कार्य हो रहा है, हम समझते हैं टोटल अगर कहा जाए जम्मू प्रिंस का क्रेडिट गोज टू ओनली डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हम ये समझते हैं। हालांकि जुगल भी कर रहे होंगे, लेकिन जो पब्लिक पोस्चर है उसके सामने डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिखाई देते हैं। जी हम पे अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने की बात कर रहे हैं, तो हम रोज ही देख रहे हैं कि प्रेस क्लब के बाहर क्या आज भी बहुत बड़ा हंगामा हुआ, और पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, बच्चों को पकड़ा गया, लड़कियां जो सड़कों पे लेटी हुई थी, बहुत बुरी हालत थी, बड़ी बुरी स्थिति। अब स्मार्ट सिटी के लिमिटेड ने नई चीज निकाली है, ई रिक्शा अनएम्प्लॉयमेंट जो है उनको अनएम्प्लॉयमेंट, उनको ई रिक्शा देंगे, जम्मू ई रिक्शा चलाया जाएगा। पहले तो पकौड़े थे तलने, पहले पकौड़ा, अब पकौड़े की जगह आ गई ई रिक्शा। ये नहीं इनको समझ आती कि ये जितने भी बच्चे हैं इनमें मोस्टली जो है ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, कम से कम 12th पास है। ई रिक्शा चलाने के लिए इनको आप कह रहे हो, इनको इनको इनके मुताबिक नौकरियां नहीं दे सकते आप, ई रिक्शा चलाएंगे ये जम्मू में, यहाँ क्या पोजिशन होगी जी, यहाँ रेहड़ी की क्या पोजिशन, रेहड़ियाँ जो है ना, रेहड़ी के लाइसेंस जो है ना जी, ये भी इन्होंने इसीलिए दिए थे जो बेकार है उनके लिए हम रेहड़ी के लाइसेंस देंगे। हुआ ये आज किसी रेडी पे जम्मू का नहीं, बाहर के बिल्कुल जम्मू ठेकेदार बना हुआ है, बिल्कुल किसी के पास 50 रेडी का लाइसेंस है, हाँ। किसी के पास 100 रेडी, आगे सब लेटिंग है, आगे सब लेटिंग है, हाँ। यही होगा इसका, यही और यही ई रिक्शा का होने वाला है जो होगा, हाँ। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये 3,22,000 के करीब जो पड़ता है, सब्सिडाइज करके 1,65,000 के करीब हम देंगे, लेकिन ये सॉलिड ई रिक्शा चाहिए, ट्रांसपोर्ट जम्मू में जरूरत है, छोटी ट्रांसपोर्ट स्मार्ट सिटी में जरूरत है, जरूरत है, क्योंकि हाँ, आज भी जम्मू हाँ, के अंदर हाँ, पहले टैक्सी चलती थी हाँ, आज जम्मू में कोई लोकल टैक्सी नहीं है, ऑटो चलता है, मनमाना पैसा मनमाना, उनके ऊपर कोई इनकम अंकुश नहीं है, अंकुश नहीं है, किसी का मीटर नहीं चलता, जो दिल करता है वो मुंह से मांग लेता है वैसा, और टैक्सी नाम की चीज तो है ही नहीं है, खैर है भी नहीं है, दूसरी अब चल भी नहीं सकती जम्मू सिटी के अंदर, ये हालात बने हैं। तो आने वाले दिनों में ये ई रिक्शा वाला जो इनका नया स्टेप है, ये कितनी अनएम्प्लॉयमेंट दूर करेगा? देखिए ना, एक लिमिट है ना, एक सीमा है, और कुछ इलाके इन्होंने चिन्हित किए हैं, बहू प्लाजा, रघुनाथ बाजार, आपका तालाब तिल्लो, शास्त्री नगर, गांधी नगर, त्रिकुटा नगर, इलाके को आइडेंटिफाई किए जो कि उन इलाकों के भीतर ही चलेंगे। और तर्क ये दिया जा रहा है क्योंकि वही बात कि ऑटो वाले कम डिस्टेंस के लिए 100-200 रुपये मांगते थे, ये 10-20 रुपये में वो काम इनका बनेगा, एक तरफ से अच्छी बात है, लेकिन ये कहा जाए कि युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं, जो बच्चे हजारों के तादाद में पढ़ के निकल रहे हैं, कभी पकौड़ा सुझाव आता है, अब ई रिक्शा सुझाव आ रहा है, और दिल्ली केजरीवाल सरकार तो इनसे 4 कदम 10 कदम आ गया, वो कह रहा है रोजगार मत मांगिए, आप रोजगार देने वाले बनिए, उनसे पूछो दिल्ली शहर में जहाँ जमीन की कीमत करोड़ों रुपये है, वो बेरोजगार आदमी कहाँ से जमीन लाएगा और कहाँ से पैसा लेगा, कौन बैंक उनको फंडिंग करेगा 10-20 करोड़ रुपए की? सिर्फ ये है कि वो झुंझुना पकड़ा दिया, आप उसी को लेकर बजाते और घूमते रहो। और हालांकि मैं आपने जैसे कहा स्मार्ट सिटी में ये बेहद जरूरी है, जरूरी है, उस नज़रिए से बेहतरीन है, और हम तो ये भी कहेंगे चलो आप रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आप युवाओं के लिए रोजगार के लिए और भी योजना लाइए, हम ये भी मानने को तैयार हैं, चलो भाई ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन क्या सिर्फ ई रिक्शा पे आके रोजगार की समस्या का समाधान है? आपको और वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं करनी कि आदमी जो पढ़ लिख रहा है, जो BA MA है, BEd है, MBA करा है, इंजीनियरिंग की है, उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या उसमें केवल सिस्टम बदनाम नहीं होगा शहर की भी? नहीं नहीं, बच्चों की क्या, एक तो बेल्ट फोर्स में जाना चाहते हैं, यूनिफॉर्म पहन के देश की सेवा करना चाहते हैं, उसमें भी आप होता है, और उनके एग्जाम हो चुके हैं, सब हो चुका है, रिजल्ट निकालते हैं बिना मतलब के, हर रोज हरास किया जा रहा है, हर रोज सड़कों पे होते हैं, बिल्कुल उनकी आहिस्ता आहिस्ता उनकी एज निकल जाती है, फिर उसके बस, तो ये एक बड़ा दुखद माहौल है। और हम समझते हैं कि इसमें उपराज्यपाल साहब तो पॉलिटिकल आदमी है, हम समझते हैं
ब्यूरोक्रेसी तो चलो जो मर्जी करे, लेकिन उनको भी इस मामले में कड़ा नोटिस संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कोई ना कोई मसले का हल निकालना चाहिए। खासतौर से जो पैरामिलिट्री फोर्स के जिनके एग्जाम हो गए हैं उनके बारे में इनको कोई ना कोई सकारात्मक कदम जल्द उठाना होगा। जी, एक और कदम सरकार ने अच्छा उठाया, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर जो है अंकुश लगा दिया है। उन्होंने कहा कि हर महीने अपनी जो वर्कलोड है, जो वर्क टन जो है उसका उसका पूरे का पूरा पोर्टल जो होगा उसके ऊपर उनको चढ़ाना पड़ेगा क्या काम है कमीन में, ये एक अच्छी बात है। नहीं नहीं, ये काबिले तारीफ है। जिस प्रकार पिछले दिन उन्होंने वो लोग इन्होंने निकाले कौन काम पे काम नहीं जा रहा, मास्टर खास तौर से, और मास्टरों और दूसरे कृषि विभाग में जो लोग परोक्ष रूप से अलगाववाद आतंकवाद कर रहे थे उनको भी बाहर कर सजा दिया। हम सोचते हैं कि ये बड़ा मजबूत एक स्टेप है, क्योंकि हमारी स्टेट के बारे में अक्सर ही कहा जाता था कि कोई दूर ग्रां का आदमी अगर जाता था उनके दफ्तर में, ना अधिकारी मिलता था, ना छोटा बाबू ना बड़ा बाबू, वो मायूस होकर बेचारे अपने वापस घर आए थे। ये काबिले तारीफ है। शासन की उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में जो कदम उठाया गया है मुख्य सचिव के, हम समझे ये पारदर्शी शासन के लिए, और ख़ास तौर से जब इन्होंने नई दिल्ली ने गृह मंत्रालय बनाया कि सुशासन सूचकांक जिसे जम्मू जिला को प्रथम पुरस्कार मिला है, तो मैं समझता हूँ उस नाते पारदर्शी शासन के लिए बेहद जरूरी है और इसको जितनी तारीफ की जाए उतना बढ़िया। स्थिति जी, दुखद समाचार है, जैसे हमने पहले भी कहा कि श्रीनगर में एक लड़की के चेहरे पे एसिड फेंका गया, उसकी बहुत हालत खराब है, एडमिट हॉस्पिटल में दोनों आंखों में एसिड किया हुआ है, फेस उसका जला हुआ है, मतलब सीरियस कंडीशन में है। उस सिलसिले में 3 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, लेकिन ये पहला हमारे यहाँ का वाकया है कश्मीर के अंदर। ऐसी बात कभी नहीं सुनने में आई थी किसी के ऊपर एसिड फेंका, यूपी बिहार में हमने सुना था, लेकिन कश्मीर के अंदर ये पहली बार हुआ है, ये बहुत ही गलत, बिल्कुल बेहद दुख खासा है। और देखिए ना, मैं समझता हूँ कि ऐसे जो लोग अगर इनको आपको उदाहरणीय सजा नहीं दी, इनको तो स्पीडी ट्रायल करके जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। अगर इसमें कहीं एजेंसियाँ कानून व्यवस्था संभाल एजेंसियाँ अगर लापरवाही करेंगी तो ऐसे 3 क्या 30 और पैदा हो जाएंगे। और ये इतना दुखद हादसा है श्रीनगर जैसे इलाके में, यूपी बिहार में तो हम अक्सर सुनते रहते हैं कि ताजा फेंक दिया, और बहुत से जब देखते हैं वो टेलीविज़न पे जो बच्चियाँ आती हैं, औरतें आती हैं, तो देखा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, बड़ी तकलीफ होती है मन को कि हम कौन से युग में जी रहे हैं। मतलब कि वो जो 3 जो गुनाहगार हैं, अगर वो गुनाहगार जो पकड़ेंगे वास्तव में तो वो तो वैशी हैं, दरिंदे हैं। ऐसे लोगों को तो कानून ऐसा कड़ा से कड़ा दंड दे ताकि इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति ना दोहराई जा सके। सी जी, IGP कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि 30 दिसंबर 2019 को उन्होंने IG कश्मीर का चार्ज लिया था, तब से लेके अब तक 400 मिलिटेंट मारे गए, उन्होंने कहा है। एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम 400 मिलिटेंटों का सफाया किया, और बहुत से और भी सफल ऑपरेशन किए हैं जिसमें से मिलिटेंट भाग गए हैं, जब बहुतों की सिविलियंस की जान भी बचाई है, काबिल तारीफ काम किया है। नहीं नहीं, बिल्कुल ये मानना पड़ेगा, लेकिन उनको IG साहब को ये भी समझना चाहिए कि उनके कार्यकाल में मारे गए, लेकिन उनको जो सेना ने जो कंधा साथ में दिया उसको भी नहीं भूलना चाहिए, CRPF ने जो कंधा लगाया उसको भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि CRPF के भी जवान इन मुठभेड़ों में शहीद हुए हैं और सेना को भी नुकसान हुआ है। ये अच्छी बात है कि पुलिस के नेतृत्व में आप जब से आए हैं, आपके आने के बाद 400 मिलिटेंट मारे गए, और ऐसे ऐसे मारे गए हैं जो दुर्दांत आतंक के कमांडर थे, चाहे जैश के थे, चाहे लश्कर के थे, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के थे। आपको आपको साधुवाद है विजय कुमार IG साहब, लेकिन आपको ये भी नहीं, आपको सेना और CRPF, देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी ना, आपका कॉन्फिडेंशियल लेवल तब मजबूत होता है जब आपकी जेब में 1-2 लाख रुपया हो। जब आपके साथ ऐसा ही एक बल जा रहा है सेना नाम का, सेना अपने आप में एक पर्याप्त संस्थान है, सेना के साथ चलने से ही आपका आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि आप बड़े से बड़े दुश्मन से भिड़ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ, हालांकि हमारे स्टेट पुलिस के बड़े जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, कश्मीर पीले दोनों हमला, कल भी हमला हुआ एक ASI पर, वो नमाज अता करके आ रहे थे, कुर्बानियाँ JKP में भी कम नहीं हुई हैं, एक लंबी लिस्ट है कुर्बानियों की। लेकिन हम फिर भी साधुवाद कहते हैं, और हम ये भी जरूर कहेंगे कि इसमें सेना, JKP और अर्धसैनिक बल सबकी समान भूमिका है, और हम सबको सलूट करते हैं, PP न्यूज़लाइन सबको सलूट करता है। तो ये था तबसरा अब तक का, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़लाइन।
नमस्कार।